क्या आपको पता है ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको ISO सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ISO सर्टिफिकेशन, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि ISO क्या होता है, ISO का फुल फॉर्म क्या है, ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ISO सर्टिफिकेशंस के बारे में कि ISO सर्टिफिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। साथ ही मैं आपको ISO सर्टिफिकेशन के बेनिफिट भी बताऊंगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि हम किस तरह से ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ISO सर्टिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ISO सर्टिफिकेशन के बारे में जान पाएँ, इसके बेनिफिट के बारे में जान पाएँ, टाइप्स के बारे में जान पाएँ और इसी के साथ किस तरह से वो ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी जान पाएँ। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ISO क्या होता है, व्हाट इज़ ISO। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिवेलप करती है फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब देख लेते हैं कि ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ ISO सर्टिफिकेशन। ISO सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ISO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ये सर्टिफिकेशन प्रूव करता है कि आपका बिजनेस इफ़िशियंट प्रोसेसेस, क्वालिटी मैनेजमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अब देख लेते हैं कि ISO सर्टिफिकेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ISO सर्टिफिकेशंस। तो यहाँ मैं आपको ISO सर्टिफिकेशंस के कुछ पॉपुलर टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहला है ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट। ये सबसे पॉपुलर ISO सर्टिफिकेशन है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंश्योर करता है। ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा है ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये सर्टिफिकेशन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंट्रोल और इम्प्रूव करने में मदद करता है। थर्ड है ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये सर्टिफिकेशन आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को सिक्योर बनाता है, इंश्योरिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड द फोर्थ इज ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये स्टैंडर्ड आपके वर्कर्स के सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करता है, मिनिमाइजिंग वर्कप्लेस रिस्क। तो यहाँ आपने देखा ISO सर्टिफिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया। अब देखते हैं कि ISO सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ISO सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहला है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि ISO सर्टिफिकेशन से आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव होती है जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है। सेकंड है इंक्रीज्ड इफ़िशियंसी, यानी कि स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस से आपका बिजनेस मोर इफ़िशियंट होता है जो टाइम और कॉस्ट सेविंग में मदद करता है। थर्ड इज मार्केटेबिलिटी, ISO सर्टिफिकेशन आपके बिजनेस की मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज करता है क्योंकि कस्टमर्स और क्लाइंट्स को सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस पर ट्रस्ट होता है। एंड द फोर्थ इज ग्लोबल रिकॉग्निशन, ISO सर्टिफिकेशन से आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है जो इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इन्हांस करती है। तो ये आपने ISO सर्टिफिकेशंस के बेनिफिट्स देखे।